देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के जैसे ही बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फ्लैट में एक महिला के शव के 30 टुकड़े मिले हैं। मृतका का नाम महालक्ष्मी है। इस हत्याकांड को लेकर महालक्ष्मी के पिता ने ये आरोप लगाया है कि ये हत्या मृतका के प्रेमी अशरफ ने की है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि पिछले 9 महीने से पति पत्नी अलग रह रहे थे। मृतका अपने प्रेमी अशरफ के साथ रिश्ते में थी, जो उत्तराखंड का रहने वाला है, और वो अशरफ के साथ उसी फ्लैट में रहती थी जहां से उसका शव बरामद हुआ है। इस घटना को लेकर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंदा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 29 वर्षीय महालक्ष्मी की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने कहा कि मामले का मुख्य संदिग्ध बेंगलुरु का नहीं है और फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब प्रेम संबंध में पड़ी हिंदू महिला की इतनी निर्मम हत्या हुई हो और इसके पीछे उसके विशेष समुदाय से आने वाले प्रेमी का हाथ हो। आपको राजधानी दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड याद होगा, जिसमें श्रद्धा की हत्या उसी के प्रेमी आफताब ने की थी और उसके बाद उसने श्रद्धा के साथ कुछ इसी तरह का हाल किया था। पुलिस ने श्रद्धा का शव एक एक कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बरामद किया था। यही नहीं, इसी तरह 18 दिसंबर 2022 को झारखंड के साहिबगंज के बोरिया संथाली गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां रबिता पहाड़े नाम की एक हिंदू महिला की हत्या कर उसके शव के 18 टुकड़े किए गए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे दिलदार अंसारी और उसके परिजनों को बताया, जो रबिता पहाड़िन का पति था। इसके अलावा 3 दिसंबर 2022 को बिहार के भागलपुर में नीलम यादव नाम की एक महिला को मोहम्मद शकील ने धारदार हथियार से 20 से 25 वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। हत्या को लेकर नीलम के घर वालों ने बताया कि शकील का नीलम के घर आना जाना था। घर वालों को शकील का आना पसंद नहीं था, जिससे नीलम ने उससे दूरियां बना ली और इसी से नाराज होकर शकील ने नीलम की निर्मम हत्या कर दी। 24 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के कोरबा में शहबाज खान ने नील कुसुम नाम की एक आदिवासी लड़की की पेचकस से वार करके हत्या कर दी। दरअसल शहबाज कुसुम का प्रेमी था और उसे शक था कि कुसुम किसी और से बात करती है। इस मामले में पुलिस ने शहबाज खान और उसके साथ तरवेज खान को गिरफ्तार किया था। इसी तरह कई ऐसे मामले हैं जिन्हें गिनवाने चले तो गिनती खत्म हो जाएगी। कई मामले सामने आते हैं और कई को दबा दिए जाते हैं। अब इन सभी घटनाओं को अगर गौर से देखें तो इसमें हत्यारोपी विशेष समुदाय के ही हैं और जिन लड़कियों की हत्या हुई है वो हिंदू समाज से थी, और ये घटनाएं उन तमाम हिंदू लड़कियों के लिए एक चेतावनी है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर इस विशेष समुदाय के युवकों के बहकावे में आकर इनसे प्रेम संबंध रखती हैं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।